व्यक्ति को जीवित रहने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किस वस्तु की होती है? भोजन, जल अथवा श्वास लेने के लिए वायु की? इनमें से कुछ नहीं। आजकल के मनुष्य को चाहिए फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, क्यों दोस्तों? बात तो सही है। वैसे मैं क्या ज्ञान बांट रहा हूँ, मेरा तो खुद ये हाल हो जाता है 20 मिनट फोन चार्जिंग पे लगाने के बाद। तो चलो दोस्तों, ज्ञान को छोड़ो, काम की बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो, और पिछले महीने के अपडेट के बाद अकाउंट बनाने की प्रोसेस में कुछ चेंजेस भी आए हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो, और उसके बाद आपको एक ब्रीफ गाइड भी दूंगा कि कैसे आप इंस्टाग्राम को चला सकते हो या फिर कैसे आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले फोन को घुमा लेना है ताकि वीडियो अच्छे से दिख सके। तो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इस ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी। आप किसी से भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो, लेकिन मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना थोड़ा सा आसान रहता है। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से पहले कोई अकाउंट बना हुआ होगा तो आपके सामने ये लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ से भी आपको क्रिएट न्यू अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ से आपको सेंड कोड वाई एसएमएस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके फोन पर ओटीपी वाला एक मैसेज आएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आपको ओटीपी देख के यहाँ पे नीचे एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और वैसे ओटीपी कई बार ऑटोमेटिकली भी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए एक सिक्योर और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जो कि आपको भी याद रहे, कहीं ऐसा हो कि पासवर्ड बनाया और खुद ही भूल गए तो बाद में बोलोगे भारी मिस्टेक हो गया सर। क्योंकि अगर कभी ना कभी गलती से आपका इंस्टाग्राम डिलीट हो गया या फिर आपका अकाउंट लॉग आउट हो गया तो आप सिर्फ अपनी आईडी और इस पासवर्ड का यूज करके इस अकाउंट को दोबारा से चला सकते हो। आपको बार बार नया अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। तो पासवर्ड आप कुछ ऐसा बना सकते हो जैसा कि मैंने बनाया है। पहले अपना नाम डाल दिया, उसके बाद @ लगा के यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स डाल दिए। वैसे आप जिसका मर्जी चाहो उसका नाम डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है, और इस आंख पे क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को देख भी सकते हो, और फिर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और फिर आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ से आपको सेव पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, यानी कि जन्म तिथि। तो उसके लिए यहाँ से तारीख को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर महीना सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर यहाँ से साल को सिलेक्ट करके सेट पे क्लिक कर दीजिए। और फिर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना शुभ नाम डाल देना है, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपने अकाउंट के लिए एक यूजर नेम बनाना है, एक आईडी बनानी है, जो कि बाकी सबसे अलग होगी, यानी कि आपका यूजर नेम किसी और के साथ मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी यूजर नेम से बाकी लोग आपकी आईडी को सर्च कर पाएंगे। वैसे तो यहाँ पे आपको पहले से एक यूजर नेम सजेस्ट करके देता है, लेकिन हम अपनी आईडी में किसी दूसरे का नाम क्यों डालेंगे, क्यों भाई लोग? सही बात है। तो यहाँ से आपको ये वाला यूजर नेम डिलीट कर देना है, और अपनी कुछ इस तरह की आईडी बना लीजिए, जिसमें आपको पहले अपना नाम डालना है, उसके बाद अपना सरनेम डाल दीजिए, जैसे कि सिंह, कुमार, मिश्रा, जो भी आप डालते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर्स डाल दीजिए। उसके बाद ये यूजर नेम यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर ये यूजर नेम अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी के साथ ये मैच कर रहा होगा तो यहाँ पे आपको दिखाएगा यूजर नेम नॉट अवेलेबल, और यहाँ पे नीचे ये इससे मिलते जुलते आपको कुछ यूजर नेम सजेस्ट कर देता है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर इसी यूजर नेम के पीछे कुछ और नंबर लगा दीजिए, और फिर आपको ये मिल जाएगा, और फिर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ से आपको एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और फिर यहाँ पे आपको अपनी एक प्रोफाइल फोटो लगानी होगी। तो उसके लिए यहाँ से ऐड पिक्चर पे क्लिक कर दीजिए, और फिर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। आप चाहो तो यहाँ से कैमरे से भी कोई फोटो क्लिक कर सकते हो, या फिर गैलरी से कोई फोटो ले सकते हो। तो गैलरी से फोटो लेने के लिए आपको यहाँ से चूज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है, और ये परमिशन आपको अलाउ कर देनी है। उसके बाद जो भी फोटो आपको प्रोफाइल पे लगानी हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपनी कोई रैंडम फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से डन पे क्लिक कर दीजिए। फोटो लगाने के बाद मेरे जैसे कुछ लोंडो को ऐसा भी लगने लगता है। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ, क्या बोलती है तू? उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और फिर ये परमिशन मांगेगा तो ये आपको अलाउ कर देनी है। और फिर यहाँ से फेसबुक सजेशन को स्किप कर दीजिए, उसके बाद इसे भी स्किप कर दीजिए, और फिर आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा, इसे भी स्किप कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको आपके दोस्तों की आईडी दिखा देगा। तो यहाँ से आपको कम से कम अपने 7-8 दोस्त फॉलो कर लेने हैं,
मैंने नहीं किए तो मैंने गलती कर दी, लेकिन आपको कम से कम 7-8 दोस्तों को फॉलो कर लेना है। उसके बाद यहाँ से एरो वाले आइकन पे क्लिक कर दीजिए और फिर आपको ये वाला पेज भी यहाँ से स्किप कर देना है। उसके बाद अगर आपके सामने ये वाला पेज ओपन होता है तो यहाँ से अपने 1-2 दोस्त को फॉलो कर लीजिए और फिर इस पेज को रिफ्रेश कर लीजिए या फिर नीचे जो होम बटन है उस पे क्लिक कर दीजिए और फिर आपके सामने इंस्टाग्राम का होम पेज ओपन हो जाएगा और अभी आपका अकाउंट बन के तैयार है। तो अभी चलो हम बात करते हैं कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम में यहाँ पे नीचे आपको ये 5 मेन ऑप्शन मिलते हैं जिनमें सबसे पहला है होम पेज, जिस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे आपको अपने दोस्तों की और जिन लोगों को आप फॉलो करते हो उन सब की पोस्ट की हुई फोटोज और वीडियोस देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है सर्च का, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी रैंडम फोटोज और वीडियोस मिल जाती है किसी की भी, तो अगर कभी कुछ डिफरेंट कंटेंट देखने का मन हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपको एक सर्च बार भी मिलती है जिसपे क्लिक करके आप अपने किसी दोस्त की या फिर अपने फेवरेट एक्टर्स की आईडी को आप सर्च कर सकते हो और साथ में यहां से इनको फॉलो भी कर सकते हो। उसके बाद यहां पे फोर्थ ऑप्शन आपको मिलता है रील्स का। मैं क्या नमस्ते अंकल जी पहचानिया, इसको तो सब जानते ही होंगे। तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे रील्स देख सकते हैं और मजे से अपना टाइम पास कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये फिफ्थ ऑप्शन आपको मिलता है माई अकाउंट का, इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने आपको फॉलो किया है, आपने किस किस को फॉलो कर रखा है या फिर आपने कौन सी फोटोज और वीडियोज पोस्ट की है। वो आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले फोटोज और वीडियोज पोस्ट भी तो करनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन मिलता है प्लस का, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे ये परमिशन मांगेगा, तो इसे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोबारा से ये परमिशन भी अलाउ कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से आप कोई फोटो वीडियो भी पोस्ट कर सकते हो, आपको लाइव जाना है तो आप लाइव जा सकते हो, अपनी स्टोरी लगानी है तो आप स्टोरी लगा सकते हो या फिर रील पोस्ट करनी हो तो आप वो भी कर सकते हो। और उसके लिए यहाँ पे आपको ये 4 डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है पोस्ट का, अगर आपको कोई पोस्ट डालनी हो तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। दूसरा है स्टोरी का, अगर आपको कोई स्टोरी लगानी हो तो इस पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है रील्स का, अगर आपको अपनी कोई रील डालनी हो तो यहाँ से आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है लाइव का, अगर आपको लाइव जाना हो तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से इस बटन पे क्लिक करके आप अपना लाइव वीडियो स्टार्ट कर सकते हो। अभी अगर इनके बारे में ज्यादा बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी चलो एक लास्ट ऑप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप होम पेज पे जाते हो यहाँ पे ऊपर आपको एक मैसेंजर का ऑप्शन मिलता है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो अगर आपको किसी ने कोई मैसेज या फिर रील भेज रखी होगी तो वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा जैसे कि व्हाट्सएप में होता है, और यहाँ से आप खुद भी अपने दोस्तों को मैसेज वगैरह कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था फिलहाल के इस वीडियो में। अगर अभी भी आपकी कोई दिक्कत, परेशानी, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला पड़ा है यार। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपकी वीडियो काम आई हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।